सब्सक्राइब कीजिए वाइडी टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हैं वाइडी टेक्स। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको यूट्यूब एप्लीकेशन के नए अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, अभी इस वक्त आप यूट्यूब एप्लीकेशन के अंदर है तो जैसे यूट्यूब देखने के लिए आपने यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन की होगी, आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ गया होगा। लेकिन यहाँ पर मैं मेरे दूसरे डिवाइस के अंदर अगर यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन करता हूँ तो मुझे इस तरह से डार्क थीम दिखाई देती है। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि इस मोबाइल के अंदर व्हाइट थीम है और यहाँ पर डार्क कलर की थीम है। आपको यूट्यूब के अंदर ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी जिनके अंदर आपको बताया गया है कि यूट्यूब के अंदर डार्क थीम कैसे लाए। उसके लिए आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वो एप्लीकेशन डाउनलोड करो, या फिर आपको मोबाइल को रूट करने के लिए कहा जाता है। लेकिन अब आपको ऐसा कुछ भी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हाल ही में गूगल ने अपने यूट्यूब एप्लीकेशन के अंदर ऑफिशियली ये फीचर डाल दिया है। अब आप आसानी से यूट्यूब एप्लीकेशन के अंदर जाकर यहाँ पर डार्क थीम अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि डार्क थीम को कैसे अप्लाई करना है तो इस वीडियो क्लास तक देखते रहिए। दोस्तों, YouTube के अंदर डार्क थीम अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना होगा और यहाँ पर आपको अपने YouTube एप्लीकेशन को अपडेट कर देना है। उसके बाद जैसे आप इसे ओपन करते हैं, यहाँ पर आपको सेटिंग के अंदर जाना है और यहाँ पर आपको जनरल का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको डार्क थीम का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इसे अनेबल कर देना है। तो बस हो गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके YouTube एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर डार्क थीम अप्लाई हो चुकी है। यहाँ पर मैंने OnePlus 3 और MI A1 इन दोनों डिवाइसेस के अंदर डार्क थीम अप्लाई कर दी है। आज सवेरे ही मैंने MI के कुछ डिवाइसेस ट्राई किए लेकिन उनके ऊपर अपडेट करने के बाद भी मुझे ये फीचर दिखाई नहीं दिया। शायद आने वाले दिनों में ये फीचर उनके ऊपर भी आ जाएगा। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसे यूजफुल वीडियोज़ लाते रहता हूँ। थैंक्स।